जिला पीलीभीत में अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के निर्देश पर यहां भी लेखपालों ने एकजुट होकर 3 जून से पीलीभीत नगर के नेहरू पार्क में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। सैकड़ों लेखपालों ने आज नेहरू पार्क में लेखपाल संघ के सह संयोजक ज्वाला प्रसाद राठौर व संयोजक अशोक गंगवार के नेतृत्व में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए रोष जताया। संयोजक अशोक गंगवार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी 8 सूत्री मांगों को जब तक सरकार नहीं मान लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगी, जिसमें वेतन वृद्धि व सभी को लैपटॉप स्मार्टफोन के साथ ही सभी को अपने अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए कार्यालय उपलब्ध कराना आदि मांगे हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गंगवार नाम है मेरा। अच्छा, क्या करते हैं? मैं लेखपाल हूं और लेखपाल संघ का जिला संयोजक हूं जनपद पीलीभीत से। यहाँ नेहरू पार्क में हड़ताल कब से कर रहे हैं आप लोग और क्यों कर रहे हैं? ये हमारा यहाँ पर 3 तारीख से चल रहा है और 8 सूत्रीय मांग पत्र है जो प्रांत स्तर से हमारे शासन में रखा गया था, 2016 से चल रहा है, लेकिन इस पर तमाम सहमति बनने के बावजूद आज तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन प्रशासन तो कहता है कि शासन ने रोक लगा रखी है हड़ताल वगैरह पर लेखपालों के खिलाफ, तो ये इस तरीके से? ये तो सर लोकतंत्र में तानाशाही है। अगर हम अपनी जायज मांग रखेंगे आप ऐसमा लगा देंगे, हम कोई भी सही मांग नहीं सकते। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो दमनकारी नीति है और इस दमनकारी नीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं। लेखपाल संघ जिंदाबाद, 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 लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर गांव दुरुप की टक्कर में, हर गांव हमारा है, हर गांव दुरुप की टक्कर में, हर गांव हमारा है। हमें आवाज दो, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में ताना